हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक ऐसा देश जहां पर पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की जनसंख्या पाई जाती है और इस देश में 100 महिलाओं में से मात्र 88 को ही यहां शादी करने के लिए पुरुष मिल पाते हैं। दोस्तों, इस देश में अगर किसी भी महिलाओं का 18 साल हो जाता है तो यहां की सरकार उन लोगों को कानूनी रूप से देह व्यापार जैसे कामों को करने की आज़ादी मिल जाती है। इसके अलावा इस देश को प्राकृतिक सुंदरताओं के लिए काफी खूबसूरत देश माना जाता है और खूबसूरती के मामलों में यहाँ की महिलाएं पूरे दुनिया के किसी भी लड़कों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इस देश की बोल्ड और आधुनिक सांस्कृतिक किसी भी भारतीय पुरुष को शर्माने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं, वो देश सेंट्रल अमेरिका में आने वाला एक देश है। इसके साथ ही ये देश अमेरिका का सबसे छोटा और सबसे घनी आबादी वाला देश भी माना जाता है, जिसका नाम है एल सल्वाडोर। ग्वाटेमाला के समीप एल सल्वाडोर की सीमाएं प्रशांत महासागर से मिलती है। दोस्तों, एल सल्वाडोर को गुआना कोस्ट भी कहा जाता है। दोस्तों, इस देश में 9वीं कक्षा तक किसी भी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की आज़ादी हासिल है। दोस्तों, अगर बात करें इस देश के ऑफिशियल नाम के बारे में, तो इस देश को ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ एल सल्वाडोर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एल सल्वाडोर मध्य अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जो कि कैरेबियन समुद्री तट से नहीं लगता। दोस्तों, यहाँ की ये बात आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि सांता एना ज्वालामुखी एल सल्वाडोर की सबसे उच्चतम ज्वालामुखी है, जो समुद्र के तल से 7760 फीट ऊपर उठा हुआ है। इसके अलावा इस देश में मात्र 2 सीजन ही देखने को मिलता है, जिसमें पहला वेट सीजन जो कि मई से लेकर अक्टूबर के महीने तक चलता है और दूसरा शुष्क मौसम जो नवंबर से लेकर अप्रैल के महीने तक चलता है। इसके अलावा यहाँ के पूरे पॉपुलेशन का 40% आबादी गरीबी रेखा से भी नीचे आते हैं। दोस्तों, क्या आपको यहाँ का ये बात पता है कि एल सल्वाडोर की 1/4 आबादी पूरे दिन में मात्र $2 की ही कमाई कर पाती है और इसी से उनको अपने घर के पेट पालने पड़ते हैं। दोस्तों, एल सल्वाडोर के झंडे पर 2 रंग दर्शाए गए हैं, जिसमें पहला नीला और दूसरा सफेद रंग। दोस्तों, एल सल्वाडोर अपना स्वतंत्रता दिवस 15 सितंबर को सेलिब्रेट करता है, क्योंकि ये देश साल 1821 ईस्वी में 15 सितंबर के दिन स्पेन से आजादी हासिल करी थी। दोस्तों, यूं तो इस देश में बहुत सारी भाषाएं बोली और समझी जाती है, लेकिन यहाँ पर आधिकारिक रूप से बोली जाने वाली भाषा स्पेनिश है, क्योंकि एल सल्वाडोर पर स्पेन ने कई शताब्दियों तक अपना शासन चलाया था। और अगर आपको यहाँ पर कहीं भी फोन से बात करना हो, तो इसके लिए आपको कॉलिंग कोड +503 डायल करना होगा और यहाँ पर गाड़ी चलाने की दिशा राइट हैंड साइड की है। दोस्तों, ये देश लैटिन अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास इराक में भी फौज है, और वहीं एल सल्वाडोर का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा मर्डर करने वाले देशों में शामिल है, और इसी कारण से इस देश को मध्य अमेरिका का सबसे खतरनाक देश कहा जाता है। हालांकि आज के समय में यहाँ की हालातों में काफी सुधार देखने को मिला है। दोस्तों, एल सल्वाडोर के अधिकांश लोग गाँव में अपना जीवन बिता रहे हैं, और जिन लोगों के पास अधिक धन दौलत है वो शहरों में अपना जीवन बिताना पसंद करते हैं। दोस्तों, ये कंट्री इंडिगो प्लांट पैदा करने के लिए भी जानी जाती है। ये प्लांट कीमती नीले डाइगो तैयार करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, एल सल्वाडोर को इको टूरिज्म का हब भी माना जा रहा है। इसके अलावा इस देश को पूरे विश्व के सबसे फेमस सर्फिंग डेस्टिनेशन में से एक है, क्योंकि यहाँ पर आपको सर्फिंग करने के लिए जगह जगह पर नदियाँ और झरने मिल जाएंगे, और इस देश में हर साल कई सारे सर्फिंग कॉम्पिटिशन का भी आयोजन किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पूरे अमेरिका के देशों में केवल इसी देश में सबसे कम जन्म दर है और सबसे अधिक मृत्यु दर भी। एल सल्वाडोर इतना छोटा देश होने के बावजूद पूरे सेंट्रल अमेरिका का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इसी देश में बनाया गया है। दोस्तों, अगर बात करें एल सल्वाडोर की कैपिटल के बारे में, तो यहाँ की राजधानी सैन सल्वाडोर है, और ये शहर इस देश का सबसे बड़ा शहर होने का सम्मान भी रखता है, और इसी शहर में पूरे सेंट्रल अमेरिका का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है, और इसके साथ ही यहाँ की राजधानी अपने म्यूजियम के लिए भी जानी जाती है। और इस देश में 15 साल की उम्र वाली लड़कियों का जन्मदिन बड़े पैमाने पर उत्सव का आयोजन किया जाता है, और ये दिन उस लड़की के लिए और उसके घर परिवार वालों के लिए एक बड़ा दिन होता है, क्योंकि 15 साल होने के बाद उनके परिवार वाले ऐसा मानते हैं कि उनकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है और अपना जीवन अकेले भी बिता सकती है। दोस्तों, इस देश की महिलाएं भी पूरे अमेरिका के देशों की महिलाओं की तरह ही बेहद ही खूबसूरत और बोल्ड मानी जाती है, और वहीं इस देश में किसी भी लोगों को गिफ्ट के तौर पर परफ्यूम लेना काफी पसंद होता है। दोस्तों, अगर बात करें इस देश के पूरे क्षेत्रफल के बारे में, तो ये देश मात्र 21,041 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो अपने क्षेत्रफल के नजरिए से पूरे दुनिया भर में 148वें स्थान पर आने वाला सबसे बड़ा देश है। और इस देश में रहने वाले नागरिकों की जनसंख्या तकरीबन 65 लाख के आसपास है, जो अपने पॉपुलेशन के हिसाब से पूरे विश्व भर में 107वें स्थान पर आने वाला सबसे बड़ा देश है।